परीक्षा परिणाम आने के बाद छात्र हायर एजुकेशन और कैरियर गाइडेंस को लेकर चिंतित होने लगे हैं। ऐसे में छात्रों को एक अच्छे विकल्प की तलाश है, जिसे ध्यान में रखते हुए दैनिक भास्कर ने गुरुवार से छात्रों के लिए एजुकेशन फेयर 2024 की शुरुआत की है। सिविक सेंटर विशंबर भवन स्थित दैनिक भास्कर कार्यालय में एजुकेशन फेयर 2024 का भव्य शुभारंभ हुआ। यहां एक ही छत के नीचे छात्रों को सभी विषयों के एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन मिलेगा। परीक्षा परिणामों के आने के बाद छात्र कैरियर गाइडेंस और एजुकेशन को लेकर काफ़ी दुविधा में होते हैं। ऐसे में छात्रों को कैरियर और शिक्षा के सही विकल्प चुनने में मदद करने के उद्देश्य से दैनिक भास्कर द्वारा विशंबर भवन सिविक सेंटर स्थित दैनिक भास्कर कार्यालय में एजुकेशन फेयर 2024 का शुभारम्भ किया गया। एजुकेशन फेयर 2024 में छात्रों को एक ही छत के नीचे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा। फेयर में टॉप कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट मौजूद होंगे, जो छात्रों को मैनेजमेंट, आईटी, मेडिकल, फैशन डिजाइनिंग, पर्यटन, इंटीरियर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेडिकल और तमाम विषयों का चुनाव करने और इससे भविष्य में मिलने वाले लाभ की जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि छात्र बेहतर विकल्प का चुनाव कर सकें। जहाँ पे बच्चों को अनेक विध प्रकार से किस किस प्रकार से हम अपना एकेडमिक करियर शुरू कर सकते हैं, एकेडमिक लर्निंग शुरू कर सकते हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है, इसकी जानकारी एक ही छत के नीचे इतने आसानी से प्राप्त करने हेतु एक अत्यंत स्तुत्य उपक्रम दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें इतना अच्छा आयोजन करना और सबको ये मंच उपलब्ध कराना, ये वाकई में बहुत ही आनंददायक और अभिनंदनास्पद बात है। निश्चित रूप से जबलपुर ही नहीं अभी तो महाकौशल के बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए ये एक अत्यंत उपयुक्त मौका है, जहां वो अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये स्टूडेंट्स के लिए। एक ही छत के नीचे इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो फॉरेंसिक साइंस की स्टडीज़ हो या फिर वो इमर्जिंग ट्रेंड्स पे फार्मास्यूटिकल पे होने वाली रिसर्च हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही छत के नीचे स्टूडेंट्स को मिल रही हैं। और दैनिक भास्कर जो है ये क्रेडिट्स को जाता है, बहुत अच्छा इन्होंने एक एनवायरनमेंट जनरेट करा है जिसमें बच्चों को मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ये दैनिक भास्कर के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे पिछले साल जैसा हमारा अनुभव रहा है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ था इंस्टीट्यूशन को, बच्चों को एक अच्छी काउंसलिंग मिली और एक दिशा मिली। ये उनके जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिटी मिलती है, उनको फोकस किस में करना है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, तो वो उस फील्ड को वो चुनते हैं और उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस कैरियर फेयर का सबसे अच्छा जो फ़ायदा है जो दैनिक भास्कर ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इससे बच्चों को ये पता चलेगा कि उनको आगे कौन सी दिशा में बढ़ना है जिससे उनको रोज़गार मिल सके, और इसके साथ साथ कौन सी ट्रेनिंग उन्हें करनी चाहिए जिसके माध्यम से उनको रोज़गार भी और अच्छी सैलरी के साथ रोज़गार मिले। तो दैनिक भास्कर का ये जो इनिशिएट है कैरियर फेयर का, ये सभी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए है, आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, इवन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में ये सोचते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस लाइन में जाऊँ, इसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कैरियर स्टॉप हो गया है, तो वहाँ पर अगर वो इस कैरियर फेयर में आते हैं, चीज़ों की जानकारी लेते हैं, तो उनको उसका ओपन जो रास्ता है वो प्रॉपर ओपन मिलेगा और वो सही गाइडलाइन लेके सही दिशा में बढ़ सकते हैं। 23 जून तक चलने वाले इस एजुकेशन फेयर का शुभारंभ के साथ ही छात्रों ने लाभ उठाया। छात्रों और उनके अभिभावकों ने इस फेयर का हिस्सा बनकर भविष्य में छात्रों के बेहतर कैरियर के चुनाव के लिए एक्सपर्ट्स का गाइडेंस हासिल किया।